हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिमिक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम बात करेंगे आपका बीएड का फर्स्ट ईयर में जो फिज़िकल साइंस मेथड के बारे में, यानी जिन जिन स्टूडेंट का फिज़िकल साइंस मेथड है उन लोगों की ये वीडियो स्पेशलिस्ट है। और हम इससे पहले बताए हैं आप लोग का मैथमेटिक्स का, और धीरे धीरे एक एक करके सब बताते जाएंगे। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर वीडियो को करें, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, तो उसमें मेरा उत्साह नहीं बढ़ता है। और एक चीज़ होता है कि सभी किसी में भी अगर उत्साह नहीं बढ़ेगा तो उसको काम करने में, उस टॉपिक में एनर्जी नहीं लगेगा। तो जैसे मैट्रिक का सिलेबस के बारे में हम वीडियो बनाते हैं या रिजल्ट के बारे में दे रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन, तो उसमें ज़्यादा व्यू आ रहा है, तो इसमें हमको इस टॉपिक में, मतलब बीएड के में, उतना एनर्जी नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करें और कुछ ना कुछ कमेंट में लिखें, और अपने मित्रों को, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है उन लोग को जरूर सेंड करें, क्योंकि इसका, इस सब क्वेश्चन का बहुत सबका ज़रूरी है, लेकिन उतना सोर्स नहीं मिल रहा है कि कहाँ से देखें, कहाँ से करें, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग से छोटा सा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को फटाफट। यहाँ पे है, धातु को परिभाषित करें कीजिए। अयस्क से धातु के निष्कर्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें तथा धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। और इन सब चैप्टरों के बारे में हम ऑलरेडी 10th क्लास के वीडियो बना रखे हैं। आप 10th क्लास या तो मैथमेटिक्स या साइंस में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट से। दो नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे गति के नियमों की उदाहरण सहित वर्णन करें, यानी जो गति के नियम है, तीनों नियम को यहाँ वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। लिखा गया है पीएच स्केल क्या है, ये पीएच, ये पी गलत लिखा गया है। अम्ल एवं क्षार की परिभाषा सहित अंतर स्पष्ट करें। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे फटाक से। 4 नंबर है, ओम के नियम को लिखें एवं उन्हें सत्यापित करें। 100 वोल्ट का बल्ब 40 घंटे तक जलता है तो कितना यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी, और 10 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितने रुपये का व्यय करना होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे 5 नंबर, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें, यानी प्रयोगशाला में जो मीथेन गैस बनाए जाते हैं उसका वर्णन करें। यहाँ पे दे रहे हैं कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कर परिभाषित करें एवं 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, और तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन और अब से नहीं बनते हैं, क्योंकि जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं उन लोग का थोड़ा पढ़ाई, मतलब कुछ साल हो गए हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद इंटर के बाद फिर ग्रेजुएशन, तो जाहिर सी बात है कि बहुत किसी का, मतलब उतना नहीं रहता है, किसी किसी का, कोई किसी का रहता है। और जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं उन लोगों को तो ईजी है, आराम से बन जाएगा। यदि अब से नहीं बनता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपको हम नोट प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, 5 उदाहरण समझाइए, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये आपका 9th क्लास का सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक 8 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वर्णन करें एवं उनके उपयोगों को बतावे, यानी ये आपका है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने को लिखा रहा है, निम्नों पर शॉर्ट नोट्स लिखे, गुरुत्वाकर्षण का सर्वोत्कृष्ट और उत्प्लावकता। अब हम जाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कुछ तत्व दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए है। मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, अल्मोनियम है, कॉपर है, जिंक है, बेरियम है, ब्लेरियम है, और आपका क्रोमीन है। तो इन सब का अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक सबका ऑर्बिटल रूप में बनाना पड़ेगा, 1s2 2s2 करके जो हम लोग इंटर में बनाते हैं, तो आपको ज़रूर हम बना के देंगे, आप ज़रूर कमेंट करें। और मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम 9th 10th का और 11th 12th का इंटर का ये करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, साथ ही साथ तो चैनल में भी हम वीडियो देते रहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी गैस किए हैं। तो आप लोग चैनल में जाकर, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ये सब वीडियो आपको देख लीजिए। और अगर आपसे नहीं भी बनता है, अगर आपको वीडियो भी नहीं मिलता है, तो आप ज़रूर हमको कमेंट करें, आपको लिए ज़रूर हम वीडियो लाएंगे। तो जो लोग वीडियो को देखें उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों के या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।